नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। और आज मैं हूँ घर पे ही, ये सीढ़ी बम्बू वगैरह लगा के बिल्कुल। तो यार काफ़ी टाइम से बाहर था, मैं बाहर घूमने गया था बाबनपुर। उसके बाद ना रूम का बहुत हाल बेहाल हो गया था बिल्कुल। ये इधर पीछे देख रहे इस कोने से ना पूरे बिल्ली छलांग मार के पूरा फाड़ दी थी इस पोजिशन को। और उसके बाद अभी इसको थोड़ा सा रिपेयर किया हूँ और पूरा ये पर्दा वगैरह पूरे गिर चुका था, जिसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया हूँ अभी। और ये पंखा, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, तो अभी इसको उतार रहा हूँ। उतारने के बाद इसमें देखूँगा कि क्या समस्या है, तो आप लोग वीडियो में बने रहना। ये कटे होने के कारण मेरे को लगता है कि ये फैन नहीं चल रहा है, तो इसको हम अभी थोड़ा रिपेयर करेंगे। गाइस, ये फ़ैन मैं 2018 में लिया था और विदाउट सर्विस ये लगातार पिछले हमेशा से चलते आ रहा है। इस बार ये चूहे के काटने की वजह से ना कुछ प्रॉब्लम आया, तो वही चूहा काटा होगा उसको, तो जो नहीं चल रहा है हम इसको थोड़ा सा रिपेयर करेंगे अभी। तो मैंने इसे ठीक कर लिया है, अब देखते हैं ये बनता है, मतलब चलता है कि नहीं। तो आज हम इसे स्विच ऑन करते हैं। वैसे ही हमने लगा है, मतलब मैंने इसे बना लिया दोस्तों, मेरे पास कोई इजाज़त नहीं था इसको रिपेयर करने के लिए, लेकिन फिर इसको हमने बना लिया है और ये ठीक तरीके से घूमने लगा है। तो फिलहाल हम पंखा को ले जा रहे हैं धोने के लिए, और इसके ब्लेड्स भी काफ़ी गंदे हो चुके हैं, तो उसको भी पानी लगा कर धोएंगे, उसके बाद सेट करेंगे इसको। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरे इस ब्लॉग चैनल को टोटल आज 124-125 सब्सक्राइबर अपना दिया, 100 क्रॉस किया। विश्वास नहीं था कि आप लोग इतना प्यार देंगे, इतना सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को पसंद करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आइए देखते हैं हमारे गांव का कुछ बिहाइंड द सीन थोड़ा सा। तो ये है इधर का पूरा गवर्नमेंट कॉलोनी, तो ये तो अधूरा रह गया, बना नहीं है कुछ प्रॉब्लम की वजह से। पता नहीं बनवाने वाले ने आधा बनवा करके क्यों छोड़ दिया। तो ये पीछे जो देख पा रहे हो आप, ये टीचर कॉलोनी है यहाँ पे छोटा सा, ये इधर इतना। आप लोग को 360 डिग्री में व्यूज़ दिखाता हूँ विलेज का पूरा।